ठीक है, तो आज की जो क्लास है ना वो बुनियादी तौर पर मिस आ जाएं, आप ऐसे कर दें दीवार के साथ। ठीक है, आज की क्लास में नाइन्थ और टेंथ क्लास के बच्चों के साथ हमारी एक डिस्कशन है, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ। ठीक है, और डिस्कशन का मौजू ये है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको इम्तिहान की तैयारी और पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी हम उस्ताद आपको पढ़ाते हैं, फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ाने के बाद आप पढ़ते हैं, क्लास में बैठ के सीखते हैं, बाज़ बच्चे सेंटर्स भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाके वो पढ़ते हैं, और देखा जाए तो सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं। हमारा तो स्कूल भी पूरे दिन का है, 4:30 बजे तक आप यहाँ रहते हो, फिर अगर ट्यूशन पढ़ने जाते हो तो ट्यूशन जाते हो, वहाँ से जो है वो रात को 8 बजे आते हो, फिर पढ़ना, तो देखा जाए तो आप मसरूफ़ हैं सारे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी नज़र में, स्कूल की नज़र में या बतौर उस्ताद मेरी नज़र में, आप वैसा नहीं पढ़ रहे जैसा आपको पढ़ना चाहिए। सही, यानी मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप पढ़ ही नहीं रहे। अच्छा, जब मैं कहूँगा आप पढ़ ही नहीं रहे, आप बोलेंगे हम सारा दिन तो पढ़ते हैं, मैं बोलूँगा आप सारा दिन तो पढ़ते हैं लेकिन इसका पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है कुछ, आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको कुछ आ रहा ही नहीं है। तो मैं आज की क्लास में आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि जब आप पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमें आए, हम समझें, हम गौर करें, हमें उस टॉपिक पर उबूर हो। ठीक है, क्योंकि हमारी अक्सर शिकायत तो ये है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, आपकी क्लास के 50% बच्चे सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं। जैसे हमारा दानियाल है, अब देखो ये ऐसे मुंडी लाता है, पूरे पीरियड में ही ऐसे मुंडी लाता रहता है, जैसे इसको बहुत समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऐसी अगर मैं रुक के पूछूं भाई क्या समझ में आया तुम्हें, तो ये बता देंगे मुझे। ऐसे ही आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं दसवीं वाले, सर पढ़ा रहे होते हैं, मैं देखता हूँ सब चुपचाप बैठे हुए बुद्ध की तरह, उन्हें देख रहे होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, आप ऐसे बिल्कुल। और अगर वो रुक के पूछ लें हाँ भाई मैंने क्या बोला, आप बता सकते हो क्या बोला, क्या पढ़ाया, ये मसला एक बहुत बड़ा। यानी आप पढ़ रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, स्कूल भी में भी बैठे हो, स्टडी भी कर रहे हो, असातिज़ा भी अच्छे वाले लगे हुए हैं, ज़ाहिर सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, मिसाल है ज़ाहिर सर पढ़ा रहे हैं मैथ, ज़ाहिर सर पढ़ा रहे हैं फिज़िक्स। अब ये वाली बात तो आप कर ही नहीं सकते, जब उस्ताद थके हुए, उस्ताद अच्छा नहीं मिला, कम अज़ कम मेरे मुँह पर तो आप ये बोलेंगे ना कि उस्ताद तो सही है। पीछे भले बोलते रहें कि यार अपने आप को बड़े समझते हैं, पढ़ाना सही नहीं आता, लेकिन मुँह पर क्या बोलेंगे, एक्सेलेंट सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर सवाल पूछ लूँ क्या पढ़ाया मैंने आज, आपको क्या आया, तो आप जवाब दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो आज की क्लास हमारी इसी मौजू पे है कि आपको कैसे पढ़ना है, कि आप सीखें हमसे, जो आपको पढ़ा रहे हैं सेंटर में पढ़ा रहे हैं अगर कोई टीचर, तो आप कैसे पढ़ें, कैसे आपका एटीट्यूड हो, कैसे आप बैठे हों, तो आप उनसे सीखें। ठीक है, तो ये बातें आपको सीखना ज़रूरी हैं। अब आपके पास दसवीं वालों के पास 4-5 महीने रह गए, नाइन्थ वालों के पास भी 4-5 महीने रह गए। अच्छा, इसके तनाजुर में एक बात और भी है, वो बात ये है कि एक तो है नवीं या दसवीं का इम्तिहान पास करना, प्रेशर आपके ऊपर है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है, स्कूल का भी है, सेंटर वाले भी प्रेशर डालते हैं कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, अच्छे नंबरों के लिए आप बड़ी मेहनत करते हो ना, दिन में भी पढ़ते हो रात में भी पढ़ते हो। लेकिन मेरी नज़र में एक दूसरी बात भी है, वो नवीं और दसवीं जमात में ही पूरी हो सकती है, क्योंकि अगर नवीं और दसवीं जमात में आपने वो बात पूरी नहीं की तो फिर समझ लीजिए आपका जो तालीमी सिलसिला है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो ये है कि
कि नवीं और दसवीं जमात में जो बेस रखी जा रही है स्टडीज़ की, केमिस्ट्री की कुछ बुनियादें रखी जा रही हैं, फिज़िक्स की कुछ बुनियादें रखी जा रही हैं मैट्रिक में, मैथ की बुनियादें रखी जा रही हैं, लॉजिक समझाया जा रहा है, इमेजिनेशंस पर बात की जा रही है, ये सारी बुनियादें अगर आपके पास होंगी, इस पर आपकी ग्रिप होगी, आप इसे जानते होंगे, तो जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर में, 11वीं में, तो आप 11वीं में जब किसी कॉलेज में बैठे हुए लेक्चर सुन रहे होंगे, तो वो लेक्चर आपको समझ में कब आएगा? जब आपकी 9th और 10th बहुत अच्छी गुजरी हो, बहुत अच्छा आपने पढ़ा हो, ठीक है? अगर आपने 9th, 10th ऐसी सोते जागते मजाक करने में, खेल कूद में, कापियां भरने में, टेस्ट देने में, याद करने में गुजार दिया, लेकिन आपको आया कुछ नहीं, टॉपिक पर ग्रिप आपकी मजबूत नहीं हुई, आपने उसके अंदर जो कवानीन पढ़ रहे थे वो जाने नहीं, सही है, उसे अपने पास महफूज नहीं रखा जहन में, और आप बस इम्तिहान की तैयारी, टेस्ट की तैयारी इसमें लगे रहे, इम्तिहान देकर आ गए और पास भी हो गए A1 ग्रेड से, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाके बैठोगे कॉलेज में या किसी सेंटर में पढ़ने के लिए, तो आप हैरान हो जाओगे कि आपको कोई बात उसमें समझ में नहीं आई। आप बोलोगे यार ये पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप इंटर करके ग्रेजुएशन में चले गए मारा मारी करके, तो ग्रेजुएशन की स्टडीज़ और बढ़ जाएंगी, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे स्टडीज़ क्या हो रही हैं, फैल रही हैं और डेप्थ में भी जा रही हैं। तो अगली स्टडीज़ को समझने के लिए और उसमें अपने आप को कायम रखने के लिए, खड़े रहने के लिए 9th और 10th का अच्छे तरीके से पढ़ना इंतहाई ज़रूरी। नंबर की दौड़ तो है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अपना तालीमी सिलसिला जारी रखना चाहते हो, आला तालीम हासिल करना चाहते हो, तो आपको 9th और 10th में जो बुनियादी बातें पढ़ाई जा रही हैं उस पर आपकी ग्रिप होना ज़रूरी है। ये ग्रिप आप ना बनाओ, चीज़ें आप अपने कंट्रोल में मत लाओ और इम्तिहान पास करके अच्छे नंबरों से आप सुरखरू हो जाओ, सब लोग बोलेंगे वाह 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 वाह, लेकिन इंटर आपसे नहीं हो पाएगा, इंटर नहीं कर पाएंगे, इंटर के बाद आला तालीम नहीं हासिल कर पाएंगे, फिर आपका जो कैरियर है वो रुक गया, फिर आप इसको छोड़ेंगे पढ़ाई को, बोलेंगे गारमेंट्स में जाके जॉब कर लेते हैं, तो दूसरा काम कर लेते हैं, लड़कियां बोलेंगी शादी कर दो अम्मा, हमारे बस की नहीं है पढ़ाई, ठीक है? तो रट्टा मार मार के इतना आप रट्टा नहीं मार सकते कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मैथ आप रट्टा मार के याद करके नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको यहाँ अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी 2 साल। ये जड़ें आप कैसे मजबूत करेंगे, सवाल ये कैसे करें हम? सर हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, हम तो सारा दिन लगा रहे हैं सर, हम तो सेंटर भी जा रहे हैं, फिर कैसे मजबूत करें ये जड़? ठीक है, इसके लिए हम आज कुछ आपके सामने, कुछ 1-2 चीज़ें आपके सामने रखेंगे, आप उसको अगर दांतों से पकड़ लो और उस पर अमल करो तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते आपको नज़र आएगा कि आप अब कुछ काबिलियत आप में हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन बात तो ये है कि ये एक फ़ैसला आपको करना पड़ेगा अभी 9th, 10th में कि क्या आप आगे पढ़ोगे या आगे नहीं पढ़ोगे, ये फ़ैसला करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं हमें तो आगे पढ़ना है मैट्रिक के बाद, तो फिर अब आपको ये फ़ैसला, अब आप पाबंद हो गए इस बात के कि अगर आपको आगे पढ़ना है तो 9वीं 10वीं में सही पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने ये फ़ैसला किया नहीं भाई मैं तो मैट्रिक करूँगा उसके बाद छोड़ दूँगा, तो फिर आप जैसे पढ़ रहे हो सही है, इम्तिहान पास करो, चक्कर वक्कर चला के ओके ख़त्म, जान छूट गई। लेकिन अगर आपने ये फ़ैसला किया नहीं मुझे तो आगे पढ़ना है, तो आगे पढ़ने के लिए तो भाई अभी बीज लगाने, अभी पानी देना पौधे को, अभी जड़ मजबूत करनी है, समझ में आ रही बात? ताकि वो अगली जो स्टडीज़ आने वाली हैं उसको आप सहने के काबिल हो जाएं, उसको आप हैंडल करने के काबिल हो जाएं, ठीक है? तो सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट है वो है नोइंग। ये बात पहले भी बहुत बार हो चुकी है लेकिन मैं फिर से आपको ख़ास तौर पर आज की क्लास में ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है नोइंग।
सही है, नोइंग का मतलब होता है जानना, यानी जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है क्या वो आप जान गए हैं, क्या वो आपको समझ में आ गया है। जब आप क्लास में बैठेंगे तो सबसे पहले तो आप, जब टीचर आपको पढ़ाए, ख़ास तौर पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश भी, ग्रामर भी आपको सीखनी है, अगर ग्रामर आपको नहीं आई तो गए आप काम से, तो आप फर्स्ट ईयर की इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। तीन किताबें हैं वहाँ पर फर्स्ट ईयर, नज़मों की अलग है, ड्रामे की अलग है और सबकों की अलग है, तीन किताबें। सेकेंड ईयर में भी तीन किताबें, नज़मों की अलग, ड्रामों की अलग, सबकों की अलग, और अदब है उसमें, लिटरेचर है, सिंपल इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर आपने अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ी तो वहाँ आप फंस जाओगे जाके, अभी आपने अच्छी इस्लामियात नहीं पढ़ी दसवीं जमात में तो वहाँ फ़लसफ़ा है फिर इस्लामियात का, अगर आपने अभी अच्छी पाकिस्तानी स्टडीज़ नहीं पढ़ी तो सेकेंड ईयर के अंदर जो पाकिस्तानी स्टडीज़ है वहाँ फ़लसफ़ा है, वहाँ तारीख बहुत गहरी हो रही है, ठीक है। तो हर चीज़ की बुनियादें यहाँ रखी जा रही हैं। तो जब आप क्लास रूम के अंदर बैठे हैं और आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको किस बात पर नज़र रखनी है, नोइंग, भाई हम ये जो सर बात कह रहे हैं इसको जान लें, सर जो बात कह रहे हैं इसको हम जान लें, सही है। जान लें का क्या मतलब होता है, मैंने उसको दो आपको निशानियाँ बताई थी, नंबर एक इमेजिनेशन, याद है आपको, और नंबर दो रिलेशन, यानी जो सर कह रहे हैं क्या उसकी तस्वीर बन रही है हमारे दिमाग में, अगर उसकी तस्वीर दिमाग में बन रही है तो वो समझ में आ रहा है, और जो बातें कही जा रही हैं क्या वो रिलेट हैं, ऐसा तो नहीं सर ने एक जुमला बोला अगले बाद जो जुमला बोला वो उससे रिलेट ही नहीं करता। तो आप जब पढ़ रहे हों तो आप सबसे पहले अपने अपने आप को दिमाग को हाजिर रख कर क्या बोलेंगे कि मैं ये बात जानूंगा कि सर क्या कह रहे हैं, अगर सर जो बोल रहे हैं, मिस जो बता रही हैं, अगर उनके बोलने वाले अल्फाज से तस्वीरें मेरे जहन में नहीं बन रही तो मैं हाथ खड़ा करके मिस को रोकूंगा, सर को रोकूंगा और कहूंगा कि मिस ये जो आप कह रही हैं इसकी तस्वीर मेरे जहन में नहीं बन रही। तो मिस आपको मिसाल देंगी, सर आपको मिसाल देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तस्वीर बन जाए तो फिर आप देखें कि जो बात चल रही थी क्या वो उसमें रब्त है। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट फिर बॉइलिंग पॉइंट, एक सॉलिड होता है उस सॉलिड को जब आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, फिर मैंने उसकी काइनेटिक थ्योरी बताई आपको। तो आप बोलें जो सर ने पहले बात बोली थी कि वो मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर अगली बात जो सर ने बोली लिक्विड के अंदर ऐसे मूव करते हैं, सर ने बोला जब आप गर्म करते हैं तो वाइब्रेशन की मोशन कन्वर्ट हो जाती है ब्राउनियन मोशन में, आप बोले हाँ ये बात रिलेट हो रही है, इससे पहले जो बात कही थी उसी बात के ऊपर सर खड़े हैं। तो ये दो बातें आप अगर अपने दिमाग में जज करते रहोगे अपने टीचर को तो आपकी नोइंग हो रही है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इस नोइंग के अंदर मसला जो आता है वो ये आता है कि आपको टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको नींद आ रही है, ये मसला आ गया ना बहुत बड़ा। तो नोइंग कब होगी आपकी, जब आप जहन में क्या बना रहे हो, जहन में अंधेरा छा रहा हो, जहन में क्या छा रहा हो, अंधेरा छा रहा हो, तो क्या ये इमेजिनेशन बनेंगे, नहीं। रिलेशनशिप बनेंगे, नहीं। पहले ही आपने पर्दा गिरा दिया, यानी जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ समझाई जा रही है, उस पढ़ाने और समझाने के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपकी आंखों में से पर्दा तो उठा हुआ हो, दिमाग अंधेरे में तो ना हो। अब क्या करें इसका हल, क्या आप जब बैठ के पढ़ते हैं एक घंटे का लेक्चर चल रहा है, आपको उस एक घंटे के लेक्चर में चार दफ़ा झोंका आता है, क्या आता है, चार दफ़ा आता है बीच में, जब एक लेक्चर में चार दफ़ा आपको झोंका आएगा आप पकड़ लोगे क्या बात हो रही है, नहीं। इसका क्या हल है बताएं, मुझे समझाएं, ये फैक्ट है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरी क्लास में तो मैं वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, जब भी मैं कोई टेक्निकल बात पढ़ाना शुरू करता हूँ आधे से ज़्यादा क्लास, ऐसे सर हिला रहे होते हैं,
लेकिन आंखें कैसी हो रही थी? हम पढ़ा रहे होते ना, हम टीचर हैं, हमें पता होता कौन बच्चा सो रहा है, कौन बच्चा जाग रहा है, इसका क्या हल है? अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं इसका क्या हल है, इसके लिए मैं क्या करूँ? बतौर उस्ताद मैं क्या करूँ और आप क्या करें? पहले तो प्रॉपर नींद लें। इसका मतलब ये है कि अगर रात को आप 2 बजे सोते हैं, मिसाल है, आपने आदत बना ली है कि रात को 2 बजे सोएंगे हम, तो फिर तो ये आप 9वीं 10वीं नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप रात को 2 बजे सोओगे, सुबह 6 बजे उठोगे, 7 बजे उठोगे, 4-5 घंटे की नींद ली, यहाँ के लाजमी आपको क्या करना है? सोना है। आप 2 बजे क्यों सो रहे हो? या तो फेसबुक देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, पढ़ तो नहीं रहे। माशाल्लाह आप में से कोई ऐसा नहीं है कि 2 बजे तक पढ़ रहा हो, ठीक है? आप किसी दूसरी एक्टिविटी में रात देर तक जाग रहे हो। अगर आप रात देर तक जागते हो ताकि क्लासरूम में नींद पूरी की जा सके, तो फिर ये सारा प्रोसेस फेल है। तो इसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि रात को आप जल्दी सोएं। कौन कौन सोता है रात को 10 बजे? और कौन कौन रात को 12 बजे के बाद सोता है? कौन कौन है जो पूरी रात जागता है? तो बड़ा मसला है। अब वो ये सारे जो बैठे हैं ये जिन्नात हैं, इनमें से कोई वो भी नहीं है जो रात को 10 बजे सोता है 2 बच्चों के अलावा, कोई वो भी नहीं है जो 12 बजे सोता है 2 बच्चों के अलावा, कोई वो भी नहीं है जो पूरी रात जागता है। तो ये जो बैठे हैं ये कौन है? जिन्नात हैं ये। मैं इंसानों से बात थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे सामने जिन्नात बैठे हैं, 2 बच्चे हैं जो इंसान के बच्चे हैं, जो जानते हैं कि हम कब सोते हैं कब जागते हैं। बाकी बच्चों को नहीं पता हम कब सोते हैं कब जागते हैं, पता ही नहीं। हमारा तो हाल ही बुरा है। कितने बच्चे सोते हैं 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे के बाद? एक भी बच जाता है? दो भी बच जाते हैं? 11, गुड। 11 बजे, 11 बजे सोना तो नॉर्मल है। 10-11 बजे अगर आप सो रहे हैं तो नॉर्मल है, और आप सुबह उठ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए 6 बजे, ये भी नॉर्मल है। 11 बजे से लेकर 6 बजे तक 7 घंटे होते हैं सोने के, 7 घंटे की नींद तो प्रॉपर नींद है। फिर तो क्लास में नींद नहीं आनी चाहिए। आप कब सोते हैं? 11 बजे। फिर आपको क्लास में नींद क्यों आती है? सर में दर्द हो रहा था, सर में दर्द क्यों हो जाता है? कल हो रहा था बस? नहीं नहीं, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ जब से हो रहा है, यकीन करें। आपको आयशा, आप कितने बजे सोती हो? 10 बजे। बड़ी भरपूर नींद लेती हो। मेरी क्लास में क्यों सोती हो? कब है सर? नहीं, मुझे आप ही बताओ, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है, अशफाक सर आ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ाने, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अगर नोइंग ही नहीं कर रहे हो तो क्या आप पढ़ लोगे? आप पकड़ ये रट्टे लगा लगा के, टेस्ट दे दे के इम्तिहान पास कर लोगे? कर लोगे, लेकिन आगे पढ़ पाओगे? आगे पढ़ने के लिए तो सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, बेस रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलें हम अब ये फैसला करते हैं कि क्लासरूम में जब आपको ऐसी कैफियत हो, कैसी कैफियत? नींद की कैफियत आ रही है, हो रही है, तो हम टीचर्स को रोकें और रोक को बोले सर हम जो है थोड़ा सा या तो मुँह धो के आते हैं, लेकिन मसला ये एक बच्चा मुँह धोने जाएगा, दूसरा मुँह धोने जाएगा, तो फिर तो हो गई क्लास। तो हम क्लास में सब बच्चे खड़े होंगे और खड़े होके एक एक्सरसाइज करेंगे 2 मिनट की, सही है? मतलब ऐसे सबसे पहले थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा यूँ करेंगे, सही है, और फिर यूँ करेंगे, ऐसे थोड़ा सा उठेंगे बैठेंगे,
फिर थोड़ा सा लंबी सांस खींचे, तो ऐसा जब आप करेंगे 2-3 मिनट में तो क्या होगा, नींद भाग जाएगी। ऐसे ही नींद भाग जाएगी। अब हमें नींद को भगाना है भाई। मसला है बहुत बड़ा ये, आपका टीचर पढ़ाने आया, 1 घंटे की क्लास है, उसने एक टॉपिक आपको पढ़ाना है। अगर वो टॉपिक आपने ऐसे नशे में गुजार दिया, टुनकी में, तो वो दोबारा तो नहीं पढ़ाएगा, और कौन सा आप दोबारा वीडियो देख लोगे। हम तो खैर वीडियो बना रहे हैं कि चलो भाई आप दोबारा भी देख पाओ तो देख लो, लेकिन जो आदमी क्लास में लाइव समझ नहीं पा रहा वो वीडियो से समझ लेगा। सही है। एक तो आपको ये काम करना है कि जब आपको नींद आए, मेरी क्लास में आपको इजाज़त है, बल्कि मैं अशफाक सर को भी कह देता हूँ, बाकी साथीदार को भी कह देता हूँ, आपको इजाज़त है हर बच्चे को कि खड़ा हो, खड़ा हो जाए, खड़ा होकर खुद से क्या करने शुरू कर दे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। सही है। थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगे, पढ़ाई हो रही है, वो ये कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए कि उसको क्या करना है आपको, नोइंग, ठीक है। नोइंग के लिए क्या शर्त है, इमेजिनेशन हो और उसके साथ साथ क्या हो, रिलेशन ये आप बना रहे हैं। इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने पास एक कॉपी और एक पेंसिल निकाल के रखें। क्या निकाल के रखें, कॉपी और पेंसिल, और जब आपके टीचर कोई बात पढ़ा रहे हो तो उसमें से जो अहम बात आए उसको लिख लें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 लिखते जाएं, सुनते भी जाएं, डिस्कस भी हो रही है और आप क्या करें, लिखते भी जाएं। और कोई बात ऐसी आ गई जो अचंभे वाली है, जो समझ में नहीं आ रही, तो फ़ौरन हाथ खड़ा करके रोकें, ऐसे हाथ खड़ा करें, हम रुकेंगे, हाँ बेटे क्या बात है, आप पूछें। आसान सवाल ये कि सर तस्वर नहीं बन रहा, आसान सवाल ये सर रिलेशन नहीं बन रहा। एक तीसरा सवाल भी हो सकता है, सर जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं ना वो हमें बोलना नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब आप टम्परेचर देते हैं किसी चीज़ को तो उसका जो फ़ज़ाई दबाव है, जिस वक्त उसके बुखारात का दबाव फ़ज़ाई दबाव के बराबर नहीं होता जब तक चीज़ खोलती नहीं। अब आपको ये दो लफ्ज़ बोलने में नहीं आ रहे, कौन से, फ़ज़ाई दबाव और बुखारी दबाव। सही है। तो आप ऐसे हाथ खड़ा करके बोलें, सर ये जो दो लफ्ज़ हैं ये हम बोल नहीं पा रहे, इसको ज़रा दोबारा से हमें बुलवा दें, तो मैं बोलूँगा सब बच्चे बोलें, फिर मैं बोलूँगा आप पीछे से बोलेंगे, मैं बोलूँगा आप पीछे से बोलेंगे। इसी तरह फिज़िक्स में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो लफ्ज़ बोलना मुश्किल लग रहा है, बोलें सर 3 बातें हो गई, इमेज नहीं बन रहा, रिलेशन नहीं बन रहा, नंबर 3 सर जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं वो हमारे मुंह पे नहीं चढ़ रहा। और जब आप पढ़ रहे होंगे तो क्या करेंगे, एक नोटबुक लेके बैठेंगे, पेंसिल और एक नोटबुक, और क्या करेंगे, उस लेक्चर में जितनी अहम अहम बातें आ रही हैं उन सबको लिखते जाएंगे, नोट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये बात क्लियर हो गई आपको या नहीं हो गई? अच्छा, दूसरी बात होती है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का क्या मतलब होता है, जो बात आपको समझ में भी आ गई, रिलेशनशिप भी बन गए, सब कुछ हो गया, वो बात आप दोहरा नहीं सक रहे, ऐसा होता है, समझ में आ गया सर, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते। बता नहीं सकने का मसला होता है कंप्रीहेंशन का। सही है। तो कंप्रीहेंशन के लिए भी वैसे तो ये उस्ताद की जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी कंप्रीहेंशन भी कराए, आपको बोलना भी सिखाए। यानी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया बॉइलिंग पॉइंट, मैं ऐसा नहीं कि पढ़ाऊँ और पढ़ा के निकल जाऊँ, बल्कि मैं आपके साथ रुकूँ, आपको बुलवाऊँ, आप बोलें उसे कि सर ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट ये होता है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ये सब बातें टीचर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास वक्त होता है कम, मुकाबला होता है सख्त, किताब है बहुत मोटी, अगर हम कंप्रीहेंशन करने में टाइम लगाएं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि पूरा कोर्स ख़त्म होने के बजाय आधा कोर्स ख़त्म होगा,
आ तो आपको जाएगा लेकिन आधा आएगा। हम पे भी जिम्मेदारी ये होती है कि कोर्स ख़त्म कराएं। अब ये जो कम्प्रीहेंशन है ना, इस कम्प्रीहेंशन की जिम्मेदारी आपको लेनी होती है, कम्प्रीहेंशन की जिम्मेदारी आपको लेनी होती है। अब आप जाइए घर, और घर जाने के बाद जो नोट्स आपने लिखे हैं, जो पॉइंट बनाए, उन पॉइंट को लेके बैठिए, और बैठकर वो बात जो सर ने कही थी उसको ज़रा अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश कीजिए, उर्दू में या इंग्लिश में, जिसमें भी आपको आता है, या तो इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, जिसमें आपको आसानी से लिखना है, तो उसको बयान करें। अच्छा भाई, आज सर ने हमें पढ़ाया था पावर्स लॉ, आज सर ने हमें पावर्स लॉ के चार उसूल बताए थे। तब आप जाके सोचें चार उसूल क्या। तो जो नोट आपने किया हुआ उसको भी सामने रख लें। पहला उसूल सर ने ये बताया था, वो खुद लिखे हमने अल्फाज में। दूसरा उसूल सर ने ये बताया था, खुद लिखे हमने अल्फाज में, ठीक है। सर ने गालिब की शायरी की ये खसूसियात बताई थी, उसको अपने जहन में लेकर आएँ। इसको क्या कहते हैं? कम्प्रीहेंशन। इसको क्या कहते हैं? कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक वो जो आपने जाना है वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। दिमाग में बिठाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कम्प्रीहेंशन करना पड़ता है। कम्प्रीहेंशन की जिम्मेदारी भी उस्ताद की होती है, लेकिन मैंने आपसे कहा हमारे लिए मजबूरी क्या होती है, हमारा कोर्स होता है बहुत ज़्यादा और टाइम होता है हमारे पास कम, इसलिए हम कम्प्रीहेंशन पर तवज्जो नहीं दे पाते। ये काम हम किसको देते हैं? आपको डाल देते हैं। तो आप अब अगर ये आपने फैसला कर लिया कि मुझे आगे पढ़ना है, आला तालीम हासिल करनी है, तो आप हर सब्जेक्ट के लिए आधा घंटा कम्प्रीहेंशन का घर में निकालेंगे। उसका ताल्लुक होमवर्क से नहीं है कि जो हमने होमवर्क दिया वो कर रहे हैं बैठ के, होमवर्क अलग चीज़ है। आधा घंटा आप किस में निकालोगे? एक सब्जेक्ट की कम्प्रीहेंशन करनी है आपको। कम्प्रीहेंशन का मतलब आबिद सर ने हेडिंग डाली हुई थी आपने नोटबुक में, आबिद सर का पीरियड, ये पॉइंट डिस्कस किए उन्होंने, ठक 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 लिख लिया। घर पे जाके उसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं सेंटेंसेस, चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्प्रीहेंशन। उसको मुँह पर चढ़ाने की कोशिश करें, ज़बान पर लाने की कोशिश करें, सही है। जैसे मैंने कल आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? अगर मैं अब आपसे पूछूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो क्या आप आसानी से बता दोगे? मुश्किल काम है ना। लेकिन कल जो मैंने पढ़ाया था क्या समझ में नहीं आया था? आया था, नोइंग हुई थी, सब समझ में आ रहा था, अब बता क्यों नहीं सकते? कम्प्रीहेंशन नहीं हुई। किसको करनी है कम्प्रीहेंशन? मेरी भी जिम्मेदारी है कि कराऊं। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, हमारी मजबूरी है। तो कम्प्रीहेंशन कौन करेगा? आप करोगे। कब करोगे? घर पे जाके। आसान तरीका और भी है कम्प्रीहेंशन का, जब आप क्लास में जाते हो, इधर बाहर दो दोस्त मिलके पढ़ते हुए मिलके जा रहे हैं, तो उस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। यार आज सर ने ये बात पढ़ाई थी, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वो अपनी बात बोलेगा, मेरा इस बारे में ये ख्याल है, मैं यार इस बात को ऐसे समझाऊँ। क्योंकि जब आप बात करोगे उस टॉपिक पे, उस मौजू पे, तो क्या हो रहा होगा? कम्प्रीहेंशन हो रहा होगा। आपस में बात करें डेस्क पे बैठ के, भाई क्या बात पढ़ाई सर ने आज, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है? मैंने तो आपको कल पढ़ाते वक्त बड़ी मिसालें दी थी, मरी के अंदर जाएंगे तो वहाँ तो छोले नहीं गलेंगे आसानी से, क्यों नहीं गलेंगे, इसकी वजूहत है। क्या आपस में कभी डिस्कस किया आप लोगों ने इसको? कल की पढ़ाई के मौजू को दो दोस्तों ने आपस में डिस्कस किया नहीं? घर पे जाके उस पर सोच विचार की नहीं? उसके बारे में कोई अपने तहफ़ुज़ात, अपनी बात, अपने ख्यालात का इजहार किया नहीं? तो वो टॉपिक आपको आएगा नहीं? जब वो टॉपिक आपको नहीं आएगा, जब हम टेस्ट लेंगे तो आप क्या करोगे? याद करोगे, रट्टा मारोगे, रट्टा मार के टेस्ट दे दोगे, और हम क्या कर देंगे? वाह ज़बरदस्त, ऐसी इम्तिहान भी दे दोगे, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ नहीं पाओगे। याद रखना ये बात, अगर आप चाह रहे हो कि हम आला तालीम हासिल करें, भाई आपके लिए ज़रूरी है कि हर टॉपिक को समझते हुए कम्प्रीहेंशन करते हुए चलें। ये दो काम आपको करना इंतहाई ज़रूरी हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई?
इसके बाद जब आप याद करते हैं किसी बड़ी चीज़ को, जैसे मतलब पाकिस्तान के अंदर बड़ी चीज़ है, याद नहीं होती, उसको रट्टा ही लगाना पड़ता है। इंग्लिश का सवाल याद करना है, इस्लामिया का कोई बड़ा सवाल है वो याद करना है, तो याद करने के लिए रट्टा मत मारिए, पूरे टॉपिक को पढ़िए, उसमें से पहली बात जो आपको समझ में आई उसको लिख लीजिए, दूसरी बात समझ में आई उसको लिख लीजिए, उसमें से पॉइंट्स निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। आप उन पॉइंट्स को सामने रख के ज़रा बोलिए, पहले वाले पॉइंट पे कुछ बोलिए, दो चार पाँच जुमले बोलिए पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे दो चार पाँच जुमले बोलिए, तीसरे पॉइंट पे चार पाँच छः जुमले बोलिए, चौथे पॉइंट पे बोलिए। जब आपको बोलना आ गया, अब इसको रख दीजिए और कापी निकालिए, पेंसिल निकालिए, पॉइंट नंबर एक यहाँ से देखिए और उस पर बोलिए, यानी उस पर लिखिए, पॉइंट नंबर दो देखिए उस पर लिखिए, पॉइंट नंबर तीन देखिए उस पर लिखिए। अब ये पॉइंट कैसे याद होंगे, सवाल ये पॉइंट कैसे याद होंगे? पॉइंट याद करने के लिए आप अपने दिमाग में बनाते हो खूंटी। क्या बनाते हो? खूंटी। खूंटी समझते हो, इस पर कपड़े लटकाते हैं, ये ऐसी एक खूंटी है जिस पर नंबर वन पे क्या है, नंबर दो पे क्या है, नंबर तीन पे क्या है, नंबर चार पे क्या है, ये आप अपने दिमाग में उन पॉइंट्स को बिठाते हो। नंबर वन के ऊपर ये लटका हुआ है, नंबर दो पे ये लटका हुआ है, नंबर थ्री पे ये लटका हुआ है। जैसे कल मैंने जो क्लास ली थी 9 की, उसमें आप बोलोगे मुझे कैसे याद रहेगा पूरा लेक्चर, तो सर ने कल पढ़ाया था क्या? सॉलिड, फिर क्या पढ़ाया था? लिक्विड, फिर क्या पढ़ाया था? गैस। आप बोलोगे मेरी खूंटी है, उस खूंटी पर सबसे पहले एक थैली में बहुत सारे पत्थर लटके हुए, दूसरी थैली में पानी भर के लटका हुआ है, तीसरी थैली के अंदर एक गुब्बारा लटका हुआ है। अब आप आंख बंद करके फौरन देख लोगे क्या था, एक में क्या है पत्थर है, दूसरे में क्या है पानी है, और तीसरे में क्या है हवा है। अब बोलो सर ने पत्थर के बारे में क्या मिसाल दी थी, आपको फौरन याद आ जाएगी पत्थर के बारे में मिसाल। अच्छा, ये मिसालें थी, एक कंटेनर था उसमें बहुत सारे कंचे भरे हुए थे, ठीक है, उसमें अगर गिलू डाल दें तो चिपक जाते हैं, इसका मतलब है वो चीज़ें जिनके सारे एटम मजबूती से जुड़े होते हैं। अब आप बैठ के इसको कंप्रीहेंड कर रहे हो, सर ने आज जो मुझे पढ़ाया था वो तीन तो मुझे चीज़ें नज़र आ गई, सही है। इसको हम कहते हैं जब आप दिमाग के अंदर खूंटी बनाते हो, एक खूंटी के ऊपर लटकाते हो चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की बना के ख़ुद से, तो वो जो खूंटी होती है ना वो आपको उस टॉपिक को याद रखने में मदद देती है। ये खूंटी अगर आप नहीं बनाओगे अपने दिमाग में तो आप कोई बात याद रख ही नहीं पाओगे। अच्छा, जितना आप खूंटी बनाते जाओगे और जितनी कंप्रिहेंशन करते जाओगे उतना आपका हाफ़ज़ा तेज़ होगा, यानी याद रखने की सलाहियत आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। आप शुरू के दिनों में तीन चार बातें खूंटी पे टाँक के याद रख पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस अमल को बढ़ाते जाओगे कुछ दिन बाद आप पाँच बातें खूंटी पे टाँक के याद रख लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, छः बातें, आठ बातें, दस बातें, बीस बातें, यानी आपका हाफ़ज़ा क्या हो रहा है, फैल रहा है। आप ये नहीं करोगे प्यारे बच्चों, आप ये भूल जाओ फिर कि आप आला तालीम हासिल करोगे, मैट्रिक करोगे, यहाँ कराची में नकल बहुत होती है टाइट, सब बच्चे पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से नकल करके, लेकिन आगे आपका पढ़ना नामुमकिन है। आगे पढ़ने के लिए आपको जानना ज़रूरी है, कंप्रीहेंशन करना ज़रूरी है, और हाफ़ज़े में बिठाना ज़रूरी है, इसको हम कहते हैं मेमोरी। तीसरी बात क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मेमोराइज़ करने के लिए क्या फार्मूला होता है, आप खूंटी अपने दिमाग में एडजस्ट करते हो हर चीज़ के लिए, खूंटी हेडिंग डालो, आप भी सर का पीरियड नोट लिख रहे हो, टक 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 टक, जब आपने सारा नोट लिख लिया फिर क्या करोगे, कंप्रिहेंशन करोगे। कंप्रिहेंशन का मतलब एक एक चीज़ पर बात करोगे दिमाग में, बोलोगे। आप अकेले बैठ के बोल लो, दोस्त के साथ बैठ के बात कर लो, सही है। जब ये बात हो गई तो फिर आप तीसरा काम क्या करोगे, पूरे लेक्चर को खूंटी पे टाँकना आपको, और उस खूंटी को ऐसे तस्वीर की आंख से देखना है, पहली खूंटी के ऊपर थैली में पत्थर डले हुए, दूसरी खूंटी में पानी भरा हुआ है, तीसरी खूंटी में, सही है। फिर सर कह रहे हैं ये जो पत्थर है इसको पानी बनाओ,
और इस पानी को क्या बनाओ, गैस बनाओ। तो अगली खूंटी के अंदर इंटरचेंज। अब इंटरचेंज कैसे याद रखें, इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब एक ही पानी, पानी बुखारात बर्फ, तीनों की शक्लें याद करके एक थैली में रख के लटका दो। यानी जब आप चौथे खूंटी पे देख रहे हो तो क्या दिख रहा आपको, उसी में पानी भी है, उसी में बर्फ भी है और उसी में थैली के ऊपर बुखारात भी हैं। इसका मतलब चौथी बात सर ने क्या पढ़ाई थी, इंटरचेंजेबिलिटी, समझ रहे हैं आप। उसके बाद सर ने पढ़ाया था बॉइलिंग पॉइंट, अगली खूंटी पे आपने लटकाया हुआ है प्रेशर कुकर। क्या लटकाया हुआ है, प्रेशर कुकर। अब ये खूंटी है, पहली खूंटी पे क्या है, पत्थर लटके हुए, दूसरी खूंटी पे क्या है, पानी लटका हुआ है, तीसरी खूंटी पे क्या है, गुब्बारा लटका हुआ है, चौथी खूंटी पे क्या है, एक ऐसी थैली लटकी हुई जिसमें पानी भी है, बर्फ भी है और बुखारात भी हैं, और चौथी पांचवी खूंटी पे क्या लटका हुआ है, प्रेशर कुकर लटका हुआ है। प्रेशर कुकर क्या है, वो बताता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी वो ऊपर से जो बुखारात नीचे दबाते हैं आप गर्म करते हैं। अब वो आपने जब कंप्रिहेंशन किया होगा ना तो आपको अल्फाज में बोलना आएगा, वरना आपको अल्फाज में बोलना नहीं आएगा। ये तीन काम आप हर क्लास के साथ करेंगे, हर लेक्चर के साथ करेंगे तो आप उस चीज़ पर ग्रिप इख्तियार कर लेंगे। और ये अभी आप करना शुरू करो, अभी आपके पास इम्तिहान में 4-5 महीने हैं, आप देखिएगा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका हाफ़ज़ा बढ़ेगा, ठीक है, आपकी बातचीत करने का अंदाज़ चेंज होगा, आपकी लिखने की सलाहियत बढ़ेगी, क्लासरूम के अंदर आपकी जो एबिलिटी है चीज़ों को जानने की वो बढ़ेगी। उस्ताद बतौर उस्ताद देखिए हम आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम आपकी नोइंग में पूरी मदद कर सकते हैं, कंप्रिहेंशन में हम आपकी मदद नहीं कर सकते, मेमोराइजिंग के अंदर हम आपकी मदद नहीं कर सकते, ये आपको खुद करना है। जब तक आप ये तीन काम नहीं करेंगे आपका टॉपिक के ऊपर ग्रिप नहीं आएगा। अच्छा मैथ में ये काम नहीं होता, मैथ चलता है प्रैक्टिस से, सही है, मैथ किससे चलता है, प्रैक्टिस से। आपको सर पढ़ाते हैं, कुछ उसूल समझा देते हैं, आप उन उसूल को लिख लीजिए, पहला उसूल, दूसरा उसूल, तीसरा उसूल। अब ये उसूल आपको आएंगे कैसे, ना तो कंप्रिहेंशन से आएंगे ना मेमोराइजेशन से आएंगे, ये किससे आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें, पहले उसूल की प्रैक्टिस 10 सवाल कर लिए, दूसरे उसूल की प्रैक्टिस 10 सवाल कर लिए, तो 10 सवाल आपको जहन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन हो जाएगी आपकी। यानी आपको जैसे साइकिल चलाते वक्त अजीब नहीं लगता कि मैं पैंडल पे लूँ और पीछे से घुमा के साइकिल पे चढ़ जाऊँ, अजीब लगता है, क्यों नहीं लगता अजीब, लड़कियों को लगता होगा अजीब, तो साइकिल पे यूँ करता और ऐसे पीछे से घुमा के बैठ जाए, लड़कियों को अजीब लगता है, लगता है क्यों, ये बात आप रिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब आपके बॉडी का हिस्सा नहीं है, लड़कों के बॉडी का हिस्सा है। ऐसे ही जो टॉपिक आप पढ़ते हैं जब वो आपके ख्यालात का, आपकी सोच का, आपके गौर फिक्र का पार्ट बन जाता है तो वो रिफ्लेक्शन, उसको बोलना, उसको डिस्कस करना, मुबाहिसे के अंदर उसको इस्तेमाल करना, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं आ गई। अभी मैं कल से आपको नोट करूँगा क्लास के अंदर, मैं पिछले कई दिनों से क्लास ले रहा हूँ, तो 9वीं की भी ले रहा हूँ, 10वीं की भी ले रहा हूँ, 10वीं की क्लास जब तक उर्दू की चलती है उनको बड़ा मज़ा आता है, सिर्फ उर्दू की क्लास में मज़ा आ रहा होता है, वो समझ भी रहे होते हैं, गौर भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस क्लास के उस 1 घंटे तक समझते हैं, गौर करते हैं और मज़े लेते हैं। उसके बाद अगर उनसे दूसरे दिन पूछ लिया जाए कि ये जो हमने कल पढ़ा था ये क्या था, वो नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि उनको नोइंग तो बड़ी अच्छी हुई, जाहिर सर आ गए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त समझाया, मिसालें दी इधर की उधर की, सब समझा दिया, लेकिन घर पे जाके उनको क्या करनी थी, कंप्रिहेंशन वो उन्होंने नहीं की, और क्या करनी थी, मेमोराइज़ करना था, जहन के अंदर जो है वो खूंटियों पे टांगनी थी चीज़ें, वो उन्होंने नहीं टांगी। उसका नतीजा ये निकलता है कि हर अगला टॉपिक आप पढ़ते जाते हैं और पिछला टॉपिक आप भूलते जा रहे हैं, अगला टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, पिछला टॉपिक भूलते जा रहे हैं, अगला टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं। और जब टेस्ट की बात होती है तो टेस्ट में आप बजाय इसके कि उस नोइंग को याद करें, उसकी कंप्रिहेंशन करें, उसको मेमोराइज़ करके टेस्ट देने के लिए बैठे हैं, आप क्या करते हो, ये सब छोड़ देते हो, रट्टा मारते बैठ के, सवाल का जवाब याद करो,
अभी जो आप बायोलॉजी के टेस्ट दे रहे हो इससे गुजर रहे हो, टेस्ट की तैयारी ऐसे करते हो? नहीं ना, क्या करते हो? याद करते हो, याद करके टेस्ट दे रहे हो, याद करके इम्तिहान दोगे, ये धोखा दे रहे हो अपने आप को भी हमें भी। इंटर नहीं कर पाओगे, सही है? हमारे बेशुमार बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन तक जाते हैं, मास्टर्स भी करते हैं, इसलिए कि उनकी बेस अच्छी होती है। आप लोग भी अपनी बेस अच्छी करने के लिए इन कम अज़ कम इन तीन बातों को फॉलो करें। इन तीन बातों में ये वाली बात किसके ज़िम्मे है? आपके टीचर के ज़िम्मे है। लेकिन टीचर के ज़िम्मे कब है भाई? आपके दिमाग में टीचर घुस के तो नहीं देख रहा ना कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। जैसे हमारा दानियाल है, मुंडी यूँ ही लाते रहता है, और आपने अभी भी ला रहा। अब हमें कैसे पता लगे? हम तो समझेंगे मुंडी हिल रही है इसका मतलब क्या है, आ रहा है, लेकिन पूछो पलट के क्या आया नहीं बता सकते। क्यों? धोखा दे रहे थे। किसको धोखा दे रहे थे? अपने आप को। तो भाई नहीं आ रहा तो पूछ लो, तीन सवाल हो सकते हैं आराम से। क्या सर? इमेज नहीं बन रहा। नंबर दो सर, रिलेशन नहीं बन रहा। नंबर तीन सर, जो आप लफ्ज़ बोल रहे हो बोलना मुश्किल हो रहा है बहुत, ज़रा दो तीन बार हम दोहरा लेते हैं। सर ज़रा एक मिनट के लिए रुक जाइए। सर ज़रा पाँच मिनट दे दीजिए हमें, जितनी बातें आपने पढ़ाई हैं उसको ज़रा एक दूसरे से डिस्कस कर लें। तो आप करोगे ना? टीचर आया, उसने वो पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सब क्या कर रहे हैं? मुंडी हिला रहे हैं, आँखें ऐसे कर रहे हैं, झोंके आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, रुक जाऊँ? मैं बोलता हूँ भाई मेरा तो टॉपिक कंप्लीट करना है, अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा? किताब ख़त्म नहीं होगी, फिर सारे आखिर में चीखेंगे कि सर ने कोर्स नहीं कंप्लीट कराया। फिर अगर इम्तिहान में कुछ हो गया, फेल हो गया, तो सब सारी जिम्मेदारी किस पे थोप देंगे? टीचर भी थोपेंगे ना, क्या बोलेंगे इन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, अगर पढ़ा देते सारे चैप्टर तो शायद हम पास हो जाते। तो हम भी बदतमीजी पे उतर आए, टीचर्स भी सारे चैप्टर पढ़ा देते हैं, तुम्हारी समझ में आए या ना आए हमें इससे क्या। तो भाई आप यहाँ रोको क्यों मुझे? तो बात समझ में नहीं आएगी मुझे, नहीं हर एक को, कम अज़ कम इसी स्कूल में। सेंटर की बात नहीं कर रहा, सेंटर में ही बदतमीजी नहीं करना जाके, फिर सेंटर में नोइंग शुरू कर दो। सेंटर वाले भी जो है ना इम्तिहान की तैयारी कराते हैं, वो आपको समझाने के लिए पाबंद नहीं है। लेकिन आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए सेंटर में, मुखलिस मेहनती, जो चाहता हो आपको समझाए, तो आप उससे फिर पूछिए, उससे सवाल कीजिए, सवाल उठाइए, बात को रद्द कीजिए। सर ये जो आप कह रहे हैं ऐसा तो नहीं होता, हमारे टीचर पढ़ाते थे हम तो ऐसे ही करते थे। हमारे टीचर ने एक बात बोली कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो गर्म पानी ऊपर चला जाता है, ठंडा नीचे रहता है, गर्म होके चीज़ें ऊपर जाती हैं, ये पढ़ा रहे थे वो। हमने बोला सर ऐसा तो नहीं होता, हम जब नलका खोलते हैं पानी का तो पहले गर्म पानी आता है बाद में ठंडा आता है। जब नल खोलेंगे तो पहले नीचे वाला पानी आएगा ना, जो नीचे वाला पानी है वो गर्म आता है बाद में क्या आता है? आप क्या कह रहे हैं? नीचे क्या होता है ठंडा, ऊपर क्या होता है? तो आप तो उल्टा कह रहे हैं। इसको कहते हैं जब आप पढ़ रहे हैं तो सवाल उठाते हैं, क्लास क्वेश्चन करते हैं। आपकी क्लास में मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, हराम है जो किसी बच्चे ने मुझसे वो सवाल पूछा। पूछा किसी ने? क्यों? कोई सवाल जहन में नहीं आता, कोई बात पैदा नहीं होती, कोई क्रास क्वेश्चनिंग नहीं आती, या उससे डर लगता है बहुत? ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात, आप सवाल इसलिए नहीं पूछते आपको डर बहुत लगता है, पूछेंगे तो सर नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है। दानियाल जहन में सवाल आता है आपके या नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? चल ही नहीं रहे तो उस टॉपिक में। आप उस टॉपिक में चलोगे सर के साथ साथ तो सवाल आएगा ना, आप आटे की बोरी बन के बैठे हो। मैं आटे की बोरी हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ कि उसको आटे की बोरी, हिल भी नहीं रहे, सिर्फ मुंडी हिल रही है।
हमारे सर थे वो कहते थे चिकने घड़े, क्या बोलते थे, चिकने घड़े उल्टे कर दो ना, चिकने ऊपर से, मतलब कुछ तो प्यासे घड़े होते हैं, पानी डालो तो जज्ब कर लेते हैं, पानी डालो तो जज्ब कर लेते हैं, मतलब टीचर भी डालता है पानी, हाँ हाँ जज्ब हो रहा है, जज्ब हो रहा है, अंदर जा रहा है, इनके अंदर जा रहा है ना, कुछ हो जाते हैं चिकने, ऊपर डालो एक ततरा नीचे। तो हम यहाँ जितना पढ़ा रहे होते हैं सब चिकने घड़े बैठे हैं, जितना डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, नीचे, अंदर जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, उनकी उनकी याददाश्त बढ़ रही है, उनका कॉम्प्रिहेंशन तेज हो रहा है, उनकी नोइंग बढ़ रही है, नहीं कुछ भी नहीं बढ़ रहा, वो कहाँ जा रहा है। इस रवैये के साथ अगर आप क्लास रूम में बैठकर पढ़ोगे भाई साहब, तो आप लिख के रख लो मैट्रिक पास करने के बाद गारमेंट्स फैक्ट्री में जॉब करोगे, तो ये भी से फैसला कर लो, अगर ऐसा करना है तो वैसे ही पढ़ो जैसे पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आला तालीम हासिल करनी है, किसी आला मुकाम पे जाना है, मज़ीद स्टडीज़ करनी है, किसी का ख्वाब है कि वो इंजीनियर बने, किसी का ख्वाब है वो डॉक्टर बने, किसी का ख्वाब है वो किसी बड़े जगह पे जाए, तो उसके लिए क्या चाहिए, इल्म चाहिए, इल्म। इल्म इम्तिहान पास करने का नाम नहीं है, अपने जहन के अंदर ख्यालात को वसत देने का नाम है। मैं जब आपको पढ़ाता हूँ यहाँ, तो मैं क्या पढ़ के आता हूँ घर से, मुझे तो जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ मेरे यहाँ होती है हर वक्त ना, मेरे साथ होती है। आप जो पढ़ के जाते हो वो आपके साथ होती है या कापी में होती है, जो आप पढ़ रहे हो वो आपके साथ है, ये सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट, वो आपके साथ है या कापी में, नहीं अभी वो किताब में, उससे कहाँ आएगा कापी में, अभी जो पढ़ाया गया था वो कहाँ है, किताब में, इससे कहाँ आएगा कापी में, पर इससे दिमाग में कब आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ओ हम क्यों, हम हमारे पास टाइम ही नहीं इतना, अभी भी नींद आ रही है बच्चों को ये देखना, ठीक है। कल से जो मेरी क्लास होगी पढ़ाने की, चाहे मैं मैथ पढ़ाऊँ, फिजिक्स पढ़ाऊँ, उर्दू पढ़ाऊँ, या आप ये तीन प्रोसेस से उस क्लास को गुजारो। जब मैं पढ़ाऊँगा मुझे हर बच्चे के हाथ में क्या नज़र आए, नोटबुक, मेरे लेक्चर हो रहा होगा, आप क्या कर रहे होंगे, पॉइंट बाय पॉइंट 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 क्या कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, सही है, कोई सवाल आपके जहन में आए तो पूछेंगे, साथ साथ चलेंगे, आपको नींद आएगी तो क्या करेंगे, खड़े होकर दो मिनट की एक्सरसाइज कर लेंगे, अगर आपको क्लास में मुश्किल लग रही है तो बाहर निकल जाइए, वहाँ जाके करके वापस आ जाइए, ताकि आपकी जो ऑक्सीजन कम हो रही है दिमाग के अंदर, जो नींद का गलबा है वो दूर हो जाए, क्योंकि ये आपने अगर 9th क्लास और 10th क्लास ऐसे गुजार दी, सही है, तो हो गया काम। और दूसरा ये कि जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, जब आप बैठते हैं बड़े अलर्ट होके पीछे टेक लगा के बैठा करें, ये जो आप बैठते हैं ना आगे मेज़ के ऊपर, डेस्क के ऊपर दोनों हाथ रखे और यूं मुंडी यूं रख ली, जैसे ही आप ऐसे रखते हो और यूं रखते हो, जैसे ये देखो, तो दरअसल आप क्या करते हो, आप अपने आप को क्या बोलते हो, बेटो सो जा, सो जा बेटो सो जा, सही कह रहा हूँ मैं आपको, फैक्ट है, मतलब ये करना है, नीचे आपने मुंह सर रख ऐसे हो गए और सर को देख रहे हैं, दरअसल आप किसको दावत दे रहे हो, नहीं बोला आ जा आ जा, अब सर जो बोल रहे हैं वो क्या है, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कप, सर जो बोल रहे हैं वो फिजिक्स नहीं है, अब वो केमिस्ट्री नहीं है, अब वो क्या है, वो एक लोरी है, मतलब क्लास रूम में बैठे हुए हैं डेस्क पे, आज से सर टिका दिया है, तो अब आपको बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं सुनाई देगा, कुछ और सुनाई देगा, ठीक है। सब बच्चे जब क्लास में पढ़ाई हो रही हो तो बड़ी तवज्जो के, पहले पीरियड में सोते हैं, पहले पीरियड में एक होता है कि चलो भाई 4 बजे से पहला वाला पीरियड है, शाम हो गई, थक गए बच्चे पढ़ते पढ़ते, अब नहीं, अशफाक सर का पीरियड है पहला, वो पढ़ा रहे हैं आधे से ज़्यादा सो रहे हैं, क्यों है, टॉपिक पे फोकस नहीं करते, नोइंग पर तवज्जो नहीं है, और जनाब रिलेशनशिप बना नहीं रहे दिमाग में, सवाल उठा नहीं रहे,
चाहिए बस, फिर नतीजा क्या निकले? नतीजा ये कि या तो आप आटे की बोरी हैं या चिकने गड़े हैं। वो सर बेचारे खड़े होकर पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। वो पढ़ने वाला बैठा हो तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है यार। बस कोई सवाल पूछे, वो बोले सर इसकी नहीं आ रही सर, सर ये कैसे मिल गया, सर ये कैसे हो गया, सर थोड़ा समझा दीजिए, दिमाग बना दीजिए। कोई नहीं बता पाएगा तो मैं तो हूँ स्कूल में, मैं बताऊँगा आपको। नवीं दसवीं से कोई सवाल आया अभी तक पिछले 6 महीनों से कि जिसने हमारे स्कूल को हिला दिया हो? वो बच्चे ने सवाल पूछा है, क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई सवाल नहीं है। वाह, बहुत मतलब कमाल की बात है, कमाल की क्लास है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। सवाल कोई नहीं, सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। फिजिक्स में सब समझ में आ रहा है हारिस, सब आ रहा है हारिस को। अभी कुछ पूछेंगे नहीं आता वो। जब समझ में नहीं आ रहा तो कहीं रुके तुम, अटके तुम, कहाँ अटके? ठीक है, मैं अब अगले दिन से जब आपको पढ़ा रहा हूँ और सारे टीचर्स पढ़ा रहे हों तो मुझे ये बात जो मैंने आज कही है ये आपके पास नज़र आनी चाहिए। अगर ये नज़र नहीं आएगी तो भाई फिर मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा कि आपको अच्छे तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूँ। अल्लाह अल्लाह खैर सर, आपके पास मौका है लर्निंग का, आपके जो असातिज़ा मिले हुए वो सब भारी भरकम है, याद रखें। कोई भी हल्का टीचर नहीं दिया हमने, नवीं दसवीं में कोई टीचर हल्का नहीं है। मतलब आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अशफाक सर, जाहिद सर, इंग्लिश पढ़ा रही हैं नबी हमीस, बायोलॉजी पढ़ा रही हैं फरामिस, सिर्फ एक सिंधी की मिस है जो बहुत हल्की हैं, सब्जेक्ट भी हल्का है। मुताला पाकिस्तान कौन पढ़ा रहे हैं? सारे टीचर कौन हैं? हेवी वेट चैम्पियन। वहाँ से ले जाओ, वहाँ आपको कौन पढ़ा रहा है? उर्दू मिस पढ़ाती हैं, मैं भी एक पीरियड लेता हूँ। इंग्लिश फरामिस, जाहिद सर भी पढ़ाते हैं इंग्लिश। फिजिक्स आबिद सर, सही है। मैं दानियाल सर, दानियाल सर क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर जाहिद सर भी पढ़ाते हैं मैथ। हल्का टीचर कौन है? इस्लामियात कौन पढ़ाती हैं? अंजुम मिस, जो सबसे पुरानी और काबिल टीचर हैं। अब क्या रहेगा, अब कौन ला के दूँ? इससे ज़्यादा अच्छी फैकल्टी मैं कैसे लगाऊँगा आप बताओ? नहीं लगा सकता ना, इस फैकल्टी से आप सीख नहीं पाओ, इससे आप इल्म नहीं ले पाओ, तो किससे लोगे? बहुत मुश्किल। इसलिए आप इस सब बातों को अच्छे तरीके से समझें और इन तीन बातों को फॉलो करें। मैं अगली क्लास में आपको देखूँ, सारे टीचर्स को मैं हफ्ते के दिन मीटिंग करके ये तीन बातें बता दूंगा, वो भी यही तीन बातें नोट करेंगे आपकी हर क्लास के अंदर। अगर नहीं होंगी, आप सुस्त पड़ोगे, ऐसी रहोगे, आटे की बोरी की तरह बैठे हुए नज़र आओगे, चिकने घड़े बनोगे, तो हमारे पास सिवाय इस बात के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम क्या करें। हम भी सीधा सीधा क्या पढ़ाते हैं आपको? कोर्स पढ़ा दें बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।